नमस्कार, वेलकम टू कुमाऊं डायरीज। कुमाऊं डायरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टुडे स्पेशल वन, आई हैव गॉट अ प्रॉपर हुड़का दिस टाइम, कर्टसी भुवन। ही इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फोक म्यूजिशियन फ्रॉम कुमाऊं, एंड माय डॉटर अदिति इज गोइंग टू बी सिंगिंग विद मी ऑन दिस पर्टिकुलर एडिशन। द स्टोरी हैज टेकन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्न। Rajula has run away from her home to come to Marushai and Bairat, and through the path she encounters various people who want to possess her in any which way. Rajula ek bahut hi ajeeb raston se guzri hai aur wo apne ghar ko chhod kar Marushai se milne Bairat aana chahti hai. Raste mein usko bahut sare aise log milte hain jo ya to usse shaadi karna chahte hain ya usko pa lena chahte hain kisi bhi taqat mein. Wo thaki hai, वो घायल भी है, भूखी है, प्यासी है, और वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है जहां पर रुपाई हो रही है, जो खेतों में रुपाई की जाती है, यानी कि कल्टीवेशन की जो शुरुआत होती है वो की जाती है, और वहां पर हुड़किया बॉल हमारे वहां कहा जाता है, वो हो रहा है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर देयर इज कल्टीवेशन ऑफ पैडी इन अ ह्यूज ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू टू ब्रदर्स, लछुआ महर एंड पछुआ महर। लछु पछु महर ये दो भाई हैं जो उस पूरे इलाके के राजा हैं, और वो बड़े वीर हैं और अपने इलाके में उनकी बड़ी थाक है। तो वहाँ पर रुपाई के टाइम में राजूला वहाँ पहुँचती है और वो मेड़ के पास बैठ जाती है, जहाँ पर मेड़ इज दिस पॉइंट जहाँ पर पानी चलना शुरू करता है, और वहाँ देखती है कि एक बहुत ही सुंदर रुपाई चल रही है। देर इज अ ब्यूटिफुल सीन ऑफ सिंगिंग एंड प्लांटिंग ऑफ पैडी गोइंग ऑन, सो वी डू दैट सॉन्ग एंड आई एक्सप्लेन दैट सॉन्ग अ लिटिल लेट। खोली का गणेशा हरे हो गणेशा देवा, गणेश हमारे जो देवता है उनको बोला जाता है कि हमें आशीर्वाद दें कि रुपाई अच्छी चले, फिर भूमि का भूम्याला यानी कि भूमि देवता,
फिर थाती का थत्याला यानी कि थाती पूरा जो एरिया है मेरी थात कहा जाता है, उस इलाके के जो मेरे देवी देवता हैं वो हमें आशीर्वाद दें कि रुपाई बढ़िया चले। फिर जीरी झुमका, अब ये बड़ा मजेदार है क्योंकि ये शब्द का अर्थ मुझे पता नहीं था, हम लोग गाते थे जीरी झुमका, अब पता चला जीरी झुमका और गिरी झुमका दोनों हैं, तो आप जब रुपाई कर रहे होते हैं तो आप झुक के रुपाई करते हैं और आपका झुमका गिर भी सकता है कान में जो बाली है। नाउ इन इंग्लिश दिस वुड बी दैट ब्लेस अस ओ गणेश देवता, ब्लेस अस ओ द गॉड्स ऑफ द अर्थ, ब्लेस अस ओ द गॉड ऑफ द रीजन। एंड जीरी झुमका, झुमका मीन्स द इयरिंग दैट यू हैव, एंड व्हेन इट फॉल्स डाउन व्हाइल यू आर डूइंग द कल्टिवेशन तो उसको जीरी झुमका हमने कह दिया, गिरी झुमका भी कहा जाता है। गिरी झुमका या जीरी झुमका रुपाई हो रही है पहले, फिर जीरी झुमका चांदी खेता मां जा रहे, उस पूरे इलाके में पानी फैला हुआ है तो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है तो चांदी की तरह वो पूरा इलाका दिख रहा है। तो आई मीन यू नो व्हेन द सन फॉल्स ऑन दिस एंटायर फास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड विद दिस वाटर इट ग्लिसन्स लाइक सिल्वर, तभी चांदी खेता। जीरी झुमका रुपाई है चारे, यानी कि रुपाई हो रही है, कल्टिवेशन इज गोइंग ऑन। जीरी झुमका लछु पछु महर है, लछु पछु महर जिनका वो इलाका है, दिस इज द लैंड विच बिलोंग्स टू लछु एंड पछु महर। जीरी झुमका अरे रुपाई करा ला रे, दे विल गेट दिस सोइंग सीजन डन, आई मीन दे विल लुक आफ्टर द सोइंग सीजन। सो दिस इज द बेसिक सॉन्ग। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट वेर आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इज द पॉइंट वेर राजुला इज सिटिंग ऑन दिस लिटिल little curve next to the fields, and there's water flowing in rivulets. So she puts her feet in the water. She's tired. वो थकी हुई है, अपने पैरों को उस पानी में, रहट के पानी जो आ रहा है खेतों में जा रहा है उसमें पानी अपना पैर अपना पानी में रख देती है, डाल देती है। अब मोहन सिंह गीठा गाड़ी आशु कवि थे, तो आशु कवि कौन होते हैं जो उस स्थिति को देखते हुए, उस सिचुएशन को देखते हुए वहीं के वहीं कुछ बहुत सुंदर सा कंपोज कर देते हैं लिरिकली। तो उन्होंने कंपोज किया कि राजुला के पैर इतने सुंदर हैं कि जो पानी है वो वहीं रुक जाता है, उसके चारों पैरों के चारों तरफ घूमने लगता है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थॉट, दिस इज द बार्डिक ट्रेडिशन, ही वॉज द बार्ड फ्रॉम कुमाऊं रीजन, द बार्ड। सो What he's trying to say is that her feet are so beautiful that the water stops flowing to the fields. It starts moving around in circles next to her feet. Now, this is the point where I will leave the story and I'll continue with the story later, because now is a dramatic angle which has to be told in detail in the next edition and the next episode of Kumaon Diaries. Till then, stay tuned, stay safe. Please don't forget to go to the YouTube Kumaon Diaries and subscribe and like. Please tell me what you think of it. Your comments will be welcome. I'll try and answer them. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो comments उनको answer करूं. तब तक के लिए नमस्कार. Be safe.